22 मार्च बिहार दिवस। इतिहास के पन्नों में यह दिनांक सुनहले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। बिहार, जो अपने आप में सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति है। बिहार दिवस के अवसर पर वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह के जन्म के 160 वर्ष बीतने पर उनके विजयोत्सव के लिए लोगों की भी लोकार्पण किया गया। इसके बाद यह विजयोत्सव 23 से 25 अप्रैल तक मनाया जाएगा। जिले में एक तरफ विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था, वहीं भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड में शिक्षाविद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी एवं उनके साथियों के द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर बिहार को जाने विषय से संबंधित एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ग 6 से लेकर वर्ग 8 तक के प्रश्नों को समावेशित किया गया था और इसी कक्षाओं के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कुमार का इस आयोजन के बारे में क्या कहना है। हम लोग इस बारे में कहीं भी जाते हैं तो गर्व से अपने बिहार का नाम सबको बताते हैं। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा राज्य बिहार में, और हम चाहेंगे कि आप जो भविष्य में हमारे सामने बैठे हैं वो बिहार का नाम और रोशन करें और सभी पढ़ाई में अपने विशेष ध्यान दें, कोई कमी हो अपने शिक्षकों से उसके बारे में जानकारी लें। और देखिए, आज जो आपका परीक्षा हो रहा है इसमें आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिना जनरल नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। और विशेष मैं इनको धन्यवाद करूँगा आपका, आप लोग बढ़िया से अपना एग्जाम दें, हम लोग आपके साथ। प्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोइलवर हीरालाल सिंह, दंत चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कुमार एवं वरीय साधन सेवी राजाराम प्रियदर्शी ने मिलकर किया। लिखित परीक्षा में बिहार से संबंधित जानकारी पर आधारित कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मध्य विद्यालय नया हरिपुर के अखिलेश कुमार को मिला, जो कि वर्ग 6 का विद्यार्थी है। द्वितीय पुरस्कार मोहम्मद एहसान रहमान मध्य विद्यालय घंटीहा को मिला एवं तीसरा पुरस्कार मध्य विद्यालय विरमपुर मनीष कुमार तिवारी ने प्राप्त किया। हर्षित कुमार चतुर एवं कुश कुमार उपाध्याय, विष्णु कुमार एवं सोमनाथ कुमार ने संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया। आज बिहार दिवस के अवसर पे, 22 मार्च के अवसर पे आप ये सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कोइलवर में, किस उद्देश्य से ये परीक्षा कराई जा रही है? पहली बात तो ये है कि आज स्थापना दिवस है, बिहार दिवस को हम लोग मना रहे हैं, बच्चों में एक जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि विद्यालयों में बच्चों में एक कंपटीशन की भावना है, पेंटिंग प्रतियोगिता और इस तरह की प्रतियोगिता जो विद्यालयों में हो रही है और बच्चों में सामान्य ज्ञान और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से ये बच्चे अगर एक दूसरे से समझें कि कैसे बेहतर बने और कैसे आगे निकले। आज का मेन मकसद है बिहार को जानने, तो जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों को वो बिहार से ही परिवेश में दिए गए हैं और बच्चा सब वास्तव में तैयारी करके आया होगा कि बिहार में हमारा कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में क्या है और उसकी तैयारी करके आया है, बच्चा को बस वही प्रश्न। आज के आयोजन में सर आप अतिथि के रूप में आए हुए हैं तारामणि स्कूल में, तो आज के आयोजन के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जब मुझे मालूम चला कि इस तरह का आयोजन हमारे विद्यालय में हो रहा है तो मैं अपने आप चला आया, और मैं इस तरह की चीज़ों में अक्सर भाग लेता रहता हूँ और एक युवा होने के नाते यह सब हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को हम एक संभ्रांत और शिक्षित वातावरण उनको उपलब्ध करवाएँ। आज जो जीके का कंटेस्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है, इसमें 50 तरह के सवाल हैं
और इसमें जो सवाल है वो सारे बिहार से जुड़े हुए सवाल हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए और ये बहुत जो यहाँ के आयोजन करता है उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार का वो कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ में जो यहाँ पे सरकारी कर्मी लोग मौजूद हैं इनकी बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए और बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस क्यों खास है ये अपने आप में? क्योंकि पहले बिहार और उड़ीसा जो था एक साथ था, और बंगाल बिहार उड़ीसा आज तीनों अलग अलग है, तो आज ही के तारीख को उनका विभाजन हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और उसी को लेकर के एक मेरे मन में हम और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मन में आया कि इस तरह का एक कार्यक्रम जो है आयोजित पहला प्रयास है, और एक इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे और बचपन दोनों के प्रति संवेदनशील होकर के ही आप शैक्षणिक माहौल को बना सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे प्रखंड में जो 57 मध्य विद्यालय हैं उन्हीं से बच्चों को अभी लिया गया है पहली बार, और आने वाले दिनों में अगले साल से इसको और इसको विस्तार दिया जाएगा ताकि बच्चों में एक सीखने की प्रतियोगिता की भावना उनमें पैदा की जाए, ताकि हमारा शैक्षणिक माहौल आज जो ये कहना मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के प्रयास में कमी नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट है जो उनका यंत्र है वो विद्यालय तक सही रूप में नहीं पहुंच रहा है, और उसको हम लोग जागृत करने के लिए लोग शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो है कोइलवर में खास दिवस के रूप में इस अवसर पर आयोजित किया गया है।